मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आर्यन एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूँ। बच्चों, हेलो बच्चों, आप कैसे हो? आप, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, जहाँ पे होंगे वहाँ पे प्रसन्न रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको 4 नंबर और 5 नंबर का स्क्वायर डिजिट बता दिया था। बच्चों, आज मैं तो बहुत पहले आपको अच्छा ट्रिक बताएंगे जिससे आप दो ही 1 सेकेंड में बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, जैसे मान लो आपको दे दिया गया 33 का स्क्वायर दे दिया गया। इसका जो नियम है बच्चों, क्या करना है, मान लीजिए आपको 33 का दे दिया गया, आपको 333 का स्क्वायर दे दिया। पहले फर्स्ट वाले बच्चों को दे दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो बच्चों हमको लिखना क्या होगा, 9 में लिखना होगा। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों 09 लिखते हैं, तो 0 और 9 लिखेंगे। तो इसमें बच्चों हम गैप करेंगे, गैप क्या करेंगे। अब बच्चों हमको जैसे इसमें एक ही नंबर लेना है बच्चों, जैसे मान लीजिए 2 नंबर का दिया गया, तो 1 नंबर को हम स्थान पे खाली रिक्त स्थान पे लिखेंगे। तो बच्चों इसमें एक कम हो जाएगा, एक कम होगा तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, और इसमें एक अधिक हो जाएगा तो 101 जाएगा। अब बच्चों दूसरा वाला देखेंगे क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक में बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। 1 सेकेंड में आंसर 2 नंबर का 3 नंबर का स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे इसको, 3 3, अब इसका क्या करना है बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 है, इसका भी 9 करना है बच्चों। लेकिन इसमें हमको ध्यान देना है 2 नंबर तक हमको जो है 2 नंबर इसके बीच में फिलअप करना है, तो यहाँ पे भी फिलअप कर देंगे, यहाँ पे भी फिलअप कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो 9 का हम यदि इससे कम करें तो 9 का कम होगा तो 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी 8 होगा, इसमें 1 8 1 8 होगा और 1। इस तरह से बच्चों हम 333 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1,10,889 हो जाएगा। अभी बच्चों हम 4 नंबर का भी स्क्वायर इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बच्चों हम 6 का देखेंगे, 6 का मान लीजिए आपको 666 का स्क्वायर निकालने के लिए दे दिया गया। तो बच्चों हम कैसे निकालेंगे इसका, तो 666 का स्क्वायर निकालने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, तो पहले बस 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36। अब इसके बीच में 2 गैपिंग होगा, 2 गैपिंग हो जाएगा, यहाँ पे 2 गैपिंग हो जाएगा। अब बच्चों हमें इसमें क्या करना है, एक बार कम करना है और एक बार अधिक करना है, तो इसमें कम कर दे तो 6 में 1 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 5, यहाँ पे क्या होगा, एक अधिक करना है यहाँ पे तो इसमें अधिक करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा। अब बच्चों यदि मान लीजिए आपको 6,666 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बस 1 सेकेंड में बच्चों क्वेश्चन आएगा। 6 का क्या करना है, 6 को बच्चों 36 लिख लेंगे, तो 36 में कितने बीच में जो गैपिंग कितने की होगी, 3 की होगी, 3 हो जाएगी और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे गैपिंग होगा तो 6 का सबट्रैक्ट करेंगे 5 5 5, और इसमें गैपिंग होगा 3 का गैपिंग होगा तो 4 4 4। इस तरह से बच्चों हम आप जो है 2 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो आप बच्चों यदि आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो बच्चों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू।